बचपन में था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी? क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया, इट्स नॉट कि 18 या 17 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया। आज मुझसे पूछे तो मैं कभी कभार ये देखती हूँ और सोचती हूँ कि मैं अगर पहले शुरू करती तो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट पार्ट होता है इस इंडस्ट्री के लिए। तो रिग्रेट होता है? रिग्रेट तो नहीं होता, जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और जिस काम में भी अल्लाह मियाँ अगर उसको नहीं होता तो उसमें कोई बेहतरी होती है। इस तरह सोचेंगे तो रिग्रेट फील नहीं करेंगे, राइट? सो बट मैं ये सोचती हूँ अगर होता तो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इस इंडस्ट्री को दे पाती। बट अभी भी कोशिश होती है और अभी भी सीख रही हूँ। अभी भी शुरू शुरू में डेफिनेटली मैं मानती हूँ थोड़ी सी नॉन सीरियस थी, एंड एकदम से वो हुआ कि ओह ये क्या हो गया, लाइक मैं एक एक्ट्रेस बन गई हूँ। तो वो एक नॉन सीरियस पन था, बट देन व्हेन आई गॉट इनटू इट वन बाय वन, तो उसको एक इस काम को सीरियसली लेना और ऑडियंस को मनवाना, अपने फैंस को मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे मैंने आपको कहा, वही हमारे असल बॉस है। सो उसमें मेहनत ही होती है, उसमें सीरियस ही होना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ नाउ आई एम डूइंग। लेकिन तो बचपन में क्या सोचती थी, क्या बनना चाहती थी? बहुत कुछ, टीचर बनना था, एयरहोस्टेस बनना था, देन प्रोडक्शन में आना था। सो शादी से पहले मैंने बाबा को बोला मुझे प्रोडक्शन में, कहा ऐसे नहीं शुरू होता, यू नीड टू वर्क। मैंने काफ़ी दफ़ा मेंशन भी किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ लाइन प्रोड्यूसर एट हम टीवी। वाओ, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। तो उन्होंने मुझे सुल्तानपुर के पास भेज दिया, उन्होंने कहा बेटा आप इधर जाएँ, आप काम सीखें, ऐसे थोड़ी। तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया है कि चाय पकड़ाने से लेके पेपर साइन करवाना, ये जो शूट हो रही है तो इसके जो कैमराज हैं मिलेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट साइन करवाना, एंड यू नो कि ये सारा वो पारी वाला काम, पारी वाला लाइन प्रोड्यूसर का काम। लाइक लिटरली आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, आई डिड दैट फॉर 2 इयर्स। माय गुडनेस, 2 इयर्स। यस, आपने हीरा मानी वाला जो शो है उनका, हीरा का पहला शो क्या नाम था, ड्रामा उनका, नो शो, हीरा ने जो अपना करियर का आगाज शुरू किया था विद द हम टीवी शो। अच्छा, वो जो मानी और हीरा, मानी और हीरा का शो, उसकी लाइन प्रोड्यूसर मैं थी। लाइन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वाज सनम, राइट? सो आई वाज वर्किंग अंडर हर। सो हीरा और मानी के साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उधर, एंड मॉर्निंग शोज पे लाइन प्रोड्यूसर का काम करना। तो अभी कोई एक्सपीरियंस कैसा था मोमेंट? बहुत अच्छा। मैंने स्विचिंग सीखी है, लाइक कैमरा के पीछे। बट वाज इट नॉट टफ? इन कभी कभी हो नहीं जाता यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो वो चीज़ें करनी है, मैं क्या ये नहीं, मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं ये नहीं होती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ उस चीज़ को हासिल करना होता है ना, उस चीज़ को पूरा करना होता है। तो मेरा ये होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। हम, मैं तो एक्चुअली आपको राबिया बताऊँ कि आई स्टिल रिमेम्बर हीरा मानी वाला जब शो रिलीज हो रहा था, जो डे वन था, उसकी रात को सेट रेडी नहीं था और हम लोगों ने एक एक चीज़ देखनी थी एंड एवरीथिंग। हम, मैं ऑफिस में सोई हूँ, लाइक आई डिडंट गो होम, सो इट वाज दैट, लाइक हमेशा से उससे पहले पैशनेट थी। मैंने उससे पहले इवेंट्स किए हैं फॉर 4 इयर्स, सो वो एक भाग दौड़ वाला काम, एक मेहनती काम कर चुकी थी, तो उसकी यूज टू भी आदत थी। क्योंकि वहाँ तो हमें फूल भी लगाने, तो हम सीढ़ियों पे चढ़ गए। लेकिन होता ये मोमेंट कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आपको पता है कि आपको ये करना है और राइट, लेकिन अब आप यहाँ आ रही हैं, सोच रही हैं कि भी यही है ना। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप सोच रही हैं कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे तो वो दी जॉब करनी है, लेकिन आप कर कुछ और ही। तो कभी कभी ख्याल आ जाता है कि यार जब मैं एक चीज डायरेक्टली कर सकती हूँ तो मुझे ये स्टेप्स लेने की क्या जरूरत है? आई थिंक सो, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कीप डूइंग दैट? इफ आई वांट टू गेट हियर, तो मुझे नीचे के अगर स्टेप्स नहीं पता होंगे तो मैं कैसे गाइड करूंगी अपनी टीम को, राइट? इफ यू थिंक लाइक दैट, इफ आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग एंड आई नो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती हैं, या इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना चाहिए है, क्योंकि हमारे शूट पे टाइम तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि कोई टाइम अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में कंप्लीट करना है हमने, 10 सीन करने, दिन के तो 10 सीन करने हैं, देयर आर नो 2 वेज अबाउट इट। सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू वर्क अंडर दैट प्रेशर, राइट? सो आई हैव लर्नड एंड माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि कितना इम्पोर्टेंट है। कभी ये कोफ्त नहीं हुई, मैंने हमेशा इन्जॉय किया अपना काम को। उधर भी अपने दोस्त बनाए, एक टीम बनाए, एंड अभी तक मैं उनके साथ हूँ। वो मुझे कहते अब तो तुम एक्ट्रेस बन गई, अब तो फोन आते क्या हमारे शो,
इनका तुम लोग तो छोड़ो मैं आ जाऊंगी यू नो लाइक तुम लोग के लिए तो डन है तो इतना मजा आता है। तो एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई फिर जब बचपन में भी नहीं सोचा हुआ था? नहीं सोचा हुआ था, एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं सोची हुई थी, प्रोडक्शन सोची हुई थी एंड ऑफ कोर्स इवेंट्स कर चुकी थी। तो शादी के बाद नादिर की दोस्त फीबी मेरी भी दोस्त है तो उन्होंने कहा कि एक इस तरह से एक सिटकॉम है उसके ऑडिशंस हो रहे हैं मोमन तुम भी दे दो क्योंकि शेरी भी उसके अंदर। मैंने कहा अच्छा हाँ बस तुम जैसी हो ना ये चुलबुली टाइप की बस ऐसे ही तुम्हारा रोल होगा। ठीक है अच्छा ठीक है बट क्या अच्छा मैं आपको बताऊँ मैं कैमरा से इतना डरती थी कि मेरा लाइक वो जो रेड लाइट होती है ना वो ऑन होती थी तो मैं अच्छा ठीक है और वो 50 कट्स हो रहे होते थे ऐसा होता था। ओह माय गुडनेस ओके ठीक है नाउ दिस कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड यस बट एनीवेज क्योंकि अब इसमें रेड लाइट नहीं है कैमरा भाई आपका नहीं ये रेड लाइट का सारा कमाल है रेड लाइट का सारा कमाल है थैंक यू आप ज्यादा खुश ना हो कैमरा भाई आप ज्यादा मत खुश हो तो ये तो बेसिकली फीबी ने ऑडिशन करवाया नजफ बिलग्रामी वॉज डायरेक्टिंग इट एंड हो गया मेरा आई वेंट थ्रू एंड स्टार्टेड एंड बड़े मज़े से वो शूट हो गई एंड मुझे तो लगा बड़े खेल खेल में हो गया सब कुछ राइट। और उसका ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसा आया? इट वॉज गुड ने पहचानना शुरू किया लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया ऑफकोर्स एक्सप्रेस टी वी पर चल रहा था वो ड्रामा इट्स सिटकॉम एंड एक वो ही अच्छा ओ यू नो लाइक अब मेरा भी बिकॉज पूरी जिंदगी हमने सिर्फ बाबा को देखा है जावे छेक अपना ओ वाओ तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना शुक्र अदा करें। उसके बाद सेकंड ड्रामा कौन सा था? सेकंड मैंने किया था साउथ भाई के साथ आई डोंट रिमेंबर द नेम एंड इट वाज अ लॉन्ग सीरीज उसमें एक पार्ट किया था मैंने तो वो था एंड देन माय फर्स्ट सीरियल वॉज एतराफ के नाम से एंड मेरे ऑपोजिट कौन था सोचे आप हिंट दे छाए में आजकल तमाशा में वो नांसी देखी यस ओह माय गुडनेस यस कैन यू इमेजिन आई वाज द लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट एंड वो तो अच्छा अब एक क्रश थे कभी आपके अदनान से दिखी अदनान भाई थे क्रश कहाँ से होंगे ऑकवर्ड फीलिंग ओके सॉरी आई हैव टेकन इट इनटू द अदर डायरेक्शन या यू आर टेकिंग अनदर डायरेक्शन बट नो फॉर मी अदनान भाई यू नो लाइक हीरो थे आपके वो मेरे हीरो कितने ऑकवर्ड फिर तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है एंड बट इट वाज लाइक ओ आई एम वर्किंग विद अदनान सिद्दीकी आई मीन दिस माय फर्स्ट सीरियल कौन सा साल अबाउट 2012-2013 सो ये तो एक मैंने कहा कि कहाँ से चप्पड़ पाड़ के कुछ मिल गया मुझे यू नो लाइक एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम व्हाट एन वो सिखाते हैं बहुत सिखाते हैं बहुत सिखाते हैं लाइक डांट भी देते हैं व्हिच इज अ गुड थिंग हां मुझे याद है मुझे पड़ी होगी उर्दू में डांट पिटी होगी आपको आज तक पिटती है कोई बात बोल रही होती हो वो ठीक तरह से अगर मुझे कोई लफ्ज नहीं आए उर्दू का तो आ गए आजकल के हमारे हाँ तो नहीं बट आई मीन वी लव अदनान भाई तो फिर उसके बाद आपने सीरियस कब होना शुरू हुआ एतराफ पे हो गई थी या उसके भी बाद टाइम ऑफ कोर्स नहीं उस पे फिर शुरू हो गई एंड देन यू नो लाइक थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन फिर कभी ये था कि Is this what I have to do? Like, I was Or is still, this what you want to do? Is this what I want to More do? More than that. More than that, that want, right? Yeah. So I was still like... Double-minded and thinking... Why? What thing was double-minded? In acting, people go... Because I was in the back of my mind that probably Baba never want me to be in this field, right? Because when we opened it in front of them that I'm going to work, then I took Nadir to him. I said, if... Well, my husband is giving me permission. I don't have to ask you or Shahzad anymore. Yeah. So, उन्होंने उसको समझाया, देख लो और ये है वो है, whatever, you know. Yeah. So, मुझे एक वो feeling थी, तो मैं I think so मैं एक अपने bubble में थी that के नहीं ये मैं नहीं कर सकती या तो एक confident नहीं था, right? Yeah. And इस चीज की इस craft को मैं समझ नहीं पा रही थी. Right? It was all about oh I'm working. Oh script में से ये चार लाइनें बोलनी है. Oh मुझे पैसे मिल रहे हैं. Oh I'm earning my own money. It was just that.
But then when the scripts came and you know आपके stories कुछ आपको interest करती हैं, आपको फिर production house करते हैं, आपको directors करते हैं, आपकी cast करती है, then slowly and gradually, as like now I have to prove myself.